लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
अलग अलग जगहों पर सीन्स होंगे, लाइट्स और साउंड होंगे और फिल्म के जैसे ही विजुअल मैजिक होगा। यही है लाइट एंड साउंड शो। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सुन के लग रहा है कि महंगा होगा। हमें चर्च से एडवांस मिल जाएगा, नया ड्रामा करने की क्या जरूरत है। हमें लोगों से डोनेशंस मिल जाएंगे, आर्टिस्ट को हम उसी में से थोड़े पैसे दे देंगे। मेरी बात सुनिए सनी, सॉरी फादर, हमें कितने शो करने पड़ेंगे? देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे हम सबकी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी। कम से कम 10 से 20 शो तो होंगे ही। ये इतना ज्यादा भी नहीं है, हम इतने शो तो कर ही सकते हैं। हाँ, मंजुनाथ सही कह रहा है, हमारे लिए भी एक सर्विस की तरह है। अब इसके लिए हमें
तो बहुत शानदार है। ये दो आदमी के बराबर खाना खाता है। ये सब मेरे दोस्त हैं। ये उडुम्बु साली है, ये मार्क जोसफ, ये साहिब और ये पोडी। नमस्कार। अगर मैं इन्हें किसी को धमकाने के लिए कहता हूँ तो ये लोग सिर्फ धमकाते नहीं, उसका हाथ पैर भी तोड़ देते हैं। ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। ये इसके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। फादर कहाँ है? इन्हें उनसे मिलवाना है। वो बिशप के घर पर गए हुए। ऐसी बात है, तुम लोगों ने हमारा रिहर्सल कैंप देखा है? नहीं, हमने सिर्फ अभी तक पुलिस कैंप ही देखा है। क्यों? चलो आओ, चलो। ऐसा होता रहा तो हमें सेंट्रल जेल में ट्रांसफर कर देंगे। क्यों ना हम अपने ड्रामे के टाइटल को जीसस की हिस्ट्री से मर्डर हिस्ट्री में बदल दें? चुप। जिंदगी के मजे लो, जिंदगी के मजे लो, जिंदगी है चार दिन की, जिंदगी के मजे लो, मजे लो, मजे लो, मजे लो, मजे लो। फादर नहीं तो कितना परेशान कर रहे हैं, कैसे रुकूं इनको? श्रीनी भैया हमें बहुत परेशानी हो रही, जाकर बंद करने को बोलो इन्हें। वो मुझसे सीनियर है, पंचपन है, तुम इसी से बात करो ना। मैं उन्हें जाकर बताऊंगा तो मेरा रोल कौन करेगा? हाँ ये लो, उनसे बात करने वाला सही आदमी आ गया। मंजू भाई आप जाकर उनसे कहिए कि हमें परेशान ना करें, उनकी वजह से हम डायलॉग की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए आप लोग चुप बैठे हैं इसीलिए वो लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं। अरे तो अब हम कर क्या सकते हैं, अगर उन्हें अकल होती तो हमारी बात वो पहले ही समझ जाते ना। मैं जाकर रोकने की कोशिश करता हूँ। शांत हो जाइए, मत भूलिए कि ये स्टेज हम जैसे आर्टिस्ट के लिए एक बहुत पवित्र जगह होती है। हम पूजा करने के बाद ही स्टेज पर चढ़ते हैं और आप लोग इस तरह की हरकत वहाँ कर रहे हैं। कला के जरिए जीने वाला एक अच्छा इंसान ऐसा कभी नहीं कर सकता। मंजूनाथ ने बहुत डांट रहा है, सबके सब बिल्कुल चुप हो गए। चार दिन की जिंदगी, चार दिन की जिंदगी तो जिंदगी के मजे लो, 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 जिंदगी 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 के मजे लो, जिंदगी मजे लो। ये आप लोगों ने उस कमजोरी का सही इस्तेमाल किया। अब मैं खड़े होके पूरे दिल से क्लीटस से माफी मांगना चाहता हूँ। बहुत दिनों से जो मेरा फायर इंजन था ना, वो आग नहीं बुझा पा रहा था और उस वजह से मैं पापी बन गया। उस दिन आपके बैग से शराब की बोतल चोरी की हुई थी ना, वो मैंने तूने मेरी शराब की बोतल चुराई, मैं तुझे मार डालूंगा। मुझे कुछ मत कीजिए। क्या है ये? अरे मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। और तुम डर गए, तुम्हारी आंखों में आंसू भी है, पूछ लो इसे। मेरी शराब मेरी आंसुओं के साथ बह गई है। अरे ये ले लो। नहीं अब अरे नहीं, तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। पिलाओ भाई। हाँ पिलो पिलो, थोड़ा सा पिलो। अरे लेकिन इस तरह मैं नहीं पीता ना। इस तरह पीता हूँ मैं।
उसके उस श्राप का मुझ पर असर पड़ा और ये बात मेरे दिल में छिपती रही। उसने अभी तक शादी नहीं की है। वो सबसे कहती है उसका पति अभी दुनिया में नहीं है। फिर उस मर्डर की वजह से मैं जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद मैं उससे मिलने उसके घर गया, लेकिन बदनाम हो जाने की वजह से वो उस एरिया को छोड़कर कहीं चली गई थी। मैं उसे ढूंढते हुए जिधर भी जाता था वो वहां से चली जाती थी। मुझे पता था कि वो यहां है, इसीलिए ड्रामा में काम करने के लिए मैं तैयार हो गया फादर, और फिर अपने बेटे से। कल रात मैं उसके कमरे में सिर्फ ये कहने के लिए गया था कि वो पुरानी बातें भूल जाए। कोई ऐसा नहीं जो गलती ना करे, पर एहसास होने के बाद जब एक इंसान उसे सुधारता है तभी वो एक सच्चा इंसान बनता है। In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit, Amen. Father.